इंतहा, बर्बरता की पराकाष्ठा, इंसानियत मर चुकी है। ये तस्वीरें तालिबान की नहीं बल्कि उस देश की हैं जो विश्वगुरु बनने के सपने देख रहा है। ये तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी उसकी रूह कांप गई, दिल बैठ गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिनौता कोठार गांव में सड़क विवाद पर दो महिलाओं के ऊपर मुरूम डालकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। विवादित जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध करने पर दो महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश की गई। डंपर से महिलाओं के ऊपर सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली मुरूम डाल दी गई और उन्हें जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि तस्वीरें तालिबान की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दबंगों ने दो महिलाओं के ऊपर डंपर से पूरा का पूरा मुरूम गिरा दिया, जिससे महिलाएं इसमें दब गई, उन्हें जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। दबंगों की इस हरकत के बाद मौके पर हंगामा मच गया और भागकर लोगों ने दोनों महिलाओं की जान बचाई। मामले में तीन लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और डंपर को जब्त कर लिया गया है। वहाँ विरोध कर रहे थी दो महिलाएं, तो उसने जो है मुरम का पलटी किया, तो जिसमें वो दबी, तो इसके साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है, आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। पलटी किया या उसके ऊपर डाल, ये सब अभी जांच का विषय है, अभी हम इसको जांच कर रहे हैं, जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। वहीं ADG लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद ने बताया कि शनिवार को रीवा जिले के मनगवा थाने के ग्राम हिनौता कोठार में एक पारिवारिक जमीन विवाद में दो महिलाओं आशा पांडे और ममता पांडे पर मुरुम गिरी थी। ये परिवार पांडे परिवार है, इसमें कोई दलित या आदिवासी महिला नहीं थी। कल दिनांक को थाना मनगवा के हिनौता कोठार गाँव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था, पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था, और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो दो महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है जिसमें वो दब गई थी, और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही FIR इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है, और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे उसको हिरासत में लिया है, दो अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है, कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं, और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है, और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरअसल रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के हिनौता गांव में पट्टे की जमीन पर जबरन सड़क बनाई जा रही थी। सड़क बनाने का दो महिलाओं ने विरोध किया, जिसके बाद दबंगों ने उनके ऊपर एक हाइवा से मुरूम डालकर उनको जिंदा दफनाने की कोशिश की। एक महिला के गले तक तो दूसरी के कमर तक मुरूम डाल दी गई, जिससे एक महिला बेहोश हो गई। हालांकि इसके बाद भी महिलाएं सड़क बनाने का विरोध करती रहीं। बहरहाल पुलिस वीडियो की जाँच में जुटी है, विपक्ष सत्तारूढ़ BJP पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।